नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। आज है 22 जनवरी। आपको कोरोना से संबंधित जानकारी दे देता हूं। आज हमारी बीएमसी की फ्लू ओपीडी में 111 कोरोना संदिग्ध मरीजों को इलाज दिया गया है। बीएमसी में आज 5 कोरोना संदिग्ध एवं 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाजरत हैं। बीएमसी से आज 2 मरीजों को होम आइसोलेट अथवा डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 4 नए मरीजों को भर्ती भी किया गया है। बीएमसी से आज 198 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। सर्वर स्लो होने के कारण पूरी संख्या में आज केस आईसीएमआर पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाए हैं। हेल्थ बुलेटिन बनाए जाने तक अभी आईसीएमआर पोर्टल पर संख्या 131 है, जो कि बाद में अपडेट हो जाएगी और अगले दिन के बुलेटिन में काउंट होगी। अतः आईसीएमआर पोर्टल के हिसाब से आज सागर में 131 मरीज हैं। आप सभी से निवेदन है, सावधानी बनाए रखें, शासन प्रशासन के नियमों का पालन करें, वैक्सीन अवश्य लगवा लें, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना के लक्षण आने पर अपने आप को तुरंत आइसोलेट करें, चिकित्सक की सलाह लें। धन्यवाद।